नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है अपना LM358 आईसी के बारे में। दोस्तों आपने इस आईसी को कई प्रकार के सर्किट में लगा हुआ देखा होगा, जैसे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, SMPS, इन्वर्टर वेल्डिंग में, इन्वर्टर में। इस आईसी का प्रयोग करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, एम्पलीफायर के लिए और गेन बढ़ाने के लिए इसका काफ़ी उपयोग होता है। आज इसका प्रयोग करेंगे वो केवल वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल के लिए करेंगे। आप इस वीडियो को देखोगे तो आप किसी भी SMPS में, चार्जर में आप आसानी से करंट को कंट्रोल कर सकते हो। इससे वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं, यानी एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। और इस आईसी की जो टोटल पिन होती है वो 8 पिनें होती है इसकी। यहाँ पर जो ये सर्किट डायग्राम बना रखा है, ये सिंगल सप्लाई का ही सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही सर्किट है। इस आईसी के अंदर दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आते हैं, पिन नंबर 4 और 8 पर सप्लाई देंगे, दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर सप्लाई पहुंच जाएगी। ये सर्किट है वो कांस्टेंट करंट का सर्किट है। यहाँ पर आउटपुट में जो करंट होगा वो ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है, इसका आउटपुट करंट कितना होगा। जैसे जैसे इस रेफरेंस वोल्टेज को कम करेंगे आउटपुट में करंट कम होगा, रेफरेंस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में करंट बढ़ेगा। और यहाँ पर 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है, इससे मैक्सिमम 3 से 5 एम्पियर तक का करंट ले सकते हैं मैक्सिमम। अगर 10 से 20 एम्पियर का करंट लेना है तो यहाँ पर 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो इससे 10 से 20 एम्पियर तक का करंट ले सकते हैं। और यहाँ पर जो करंट कंट्रोल का काम करेगा वो ये ट्रांजिस्टर करेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर 5 मिली वोल्टेज सेट कर देते हैं, यहाँ पर कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं 3 नंबर पिन पर 5 मिली वोल्ट से अगर ज्यादा आता है, पिन नंबर 1 इसकी हाई होगी और ये ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल कर देगा और लोड में अपने आप ही करंट को कम कर देगा। इसको मैं ब्रेडबोर्ड पे भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब इस सर्किट डायग्राम की तरह ही ब्रेडबोर्ड पे सभी कंपोनेंट को लगा दिया है और यहाँ पर जो लोड है उसकी जगह पर यहाँ पर ये लैंप लगाया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसका करंट को कम ज़्यादा करेंगे वो इस प्रीसेट से करेंगे, ऐसे जैसे जैसे रेफरेंस वोल्टेज को कम करेंगे तो ये लैंप अपने आप ही कम होगा इसका, और इसको बढ़ाएंगे तो ये इसका करंट बढ़ेगा। और इसकी इनपुट को भी कम करेंगे तो इसका लैंप का करंट कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी रोशनी पर। और इसका करंट है उसको मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो इसका करंट आ रहा है वो 120 मिली एम्पियर आ रहा है, और इनपुट पर जो वोल्टेज आ रहे हैं इस सर्किट में जो इनपुट सप्लाई दी है वो 17.6 वोल्टेज है। जैसे जैसे मैं इसके वोल्टेज को कम करूंगा तो ये करंट इसका कांस्टेंट ही रहना चाहिए ऐसे। और कम करेंगे तो करंट कम हो सकता है ऐसे। इसके करंट को थोड़ा और कम करते हैं, 80 मिली एम्पीयर पे मैंने सेट कर दिया है करंट को, और अब वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो ये करंट यही रहना चाहिए इसका। यानी थोड़ा बहुत मामूली सा चेंज होता है। इस प्रकार से इसको कांस्टेंट करंट का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर करंट आ रहा है इसका 85 मिली एम्पीयर आ रहा है, और अब वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। करंट मीटर को मैं हटा देता हूं और मल्टीमीटर को लगा देता हूं यहां पर वोल्टेज चेक करने के लिए।
यहाँ पर जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहे हैं वो 17 वोल्टेज आ रहे हैं, और जैसे ही मैं लोड को कनेक्ट करता हूँ तो ये वोल्टेज अपने आप ही कम होंगे इसके, यानी इसमें इस सर्किट में करंट ही कंट्रोल हो रहा है। अब यहाँ पर करंट को बढ़ाया है जब ये वोल्टेज बढ़े। इस प्रकार से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं इस सर्किट की तरह। और अब इसमें वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, आउटपुट में वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये सर्किट है इसका, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है। यहाँ पर जो वो संट रेजिस्टेंस है वो नहीं है इसमें, और आउटपुट में वोल्टेज को सेट करने के लिए यहाँ पर ये 100 किलो ओम का प्रीसेट है, और इस प्रीसेट से भी आउटपुट में वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। ये दोनों प्रीसेट से आउटपुट में वोल्टेज को सेट करेंगे, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट का जेनोडायोड ज़रूर लगाएंगे, इससे यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज फिक्स रहना चाहिए। अगर इसमें चेंजिंग होगा, जैसे इनपुट को कम ज़्यादा करते हैं यहाँ पर चेंजिंग होगा, तब आउटपुट में वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं रहेंगे, और ये जिनर डायोड ज़रूर लगाएंगे। और अब इसको भी ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करते हैं। आउटपुट में वोल्टेज सेट करने के लिए जैसे ये सर्किट डायग्राम है ठीक वैसे के वैसे मैंने यहाँ पर सभी को लगा दिया है, और जैसे जैसे इस प्रीसेट को घुमाएंगे, यहाँ पर 100 किलो ओम का प्रीसेट है, तो ये वोल्टेज ऐसे कम होंगे इसके। और मैं इनपुट को कम करता हूँ तो ये वोल्टेज इसके कांस्टेंट ही रहेंगे। मैं मल्टीमीटर भी लगाता हूँ इसमें। इस 17.2 वोल्टेज तक मैक्सिमम आ रहे हैं यहाँ पर, और वोल्टेज को मैं कम पे सेट करता हूँ, जैसे ये 4 वोल्टेज पे सेट कर दिया है, और इनपुट पर 17 वोल्टेज आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इनपुट के वोल्टेज को चेंजिंग करता हूँ, लेकिन ये आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट ही रहते हैं। इसमें जो मिनिमम वोल्टेज है वो कितने पहुँचते हैं, मिनिमम वोल्टेज इसके 0.35 वोल्टेज आ रहे हैं। मैं इनपुट पे कम ज़्यादा करता हूँ तो ये वोल्टेज यही रहेंगे इसके। और अब थोड़े और कम वोल्टेज सेट करता हूँ, इसको 2.6 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है, और इनपुट को कम करता हूँ या बढ़ाता हूँ तो ये वोल्टेज यही रहेंगे इसके। इस प्रकार से आप वोल्टेज को भी सेट कर सकते हैं। करंट और वोल्टेज दोनों को एक ही आईसी से कैसे एडजस्ट करते हैं, और इसको वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, अब आगे वो सर्किट भी इसमें देख लेते हैं। एक ही आईसी के अंदर दोनों प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे करंट कंट्रोल भी हो और आउटपुट में वोल्टेज भी कंट्रोल हो। LM358 आईसी आती है, इसके अंदर 2 कंपैरेटर आते हैं। मैंने दोनों कंपैरेटरों को यूज करके ही आउटपुट में वोल्टेज को और करंट को दोनों को एडजस्टेबल किया है। इस सर्किट की तरह ही आप आउटपुट में वोल्टेज और करंट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंपैरेटर है वो करंट कंट्रोल के लिए है, और ये वाला कंपैरेटर वोल्टेज कंट्रोल के लिए है। यहाँ पर ये डायोड लगाएंगे, इस तरह से ही डायोड लगाएंगे, ये डायोड नहीं लगाएंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। और आउटपुट में यहाँ पर मैंने मोसफेट का यूज़ किया है, इसके जगह पर NPN ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं। और इस सर्किट की तरह ही इसको भी टेस्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड पे। अब यहाँ पर सर्किट है वोल्टेज और करंट कंट्रोल का, इसकी तरह ही इस ब्रेडबोर्ड पे सभी कंपोनेंट को लगा दिया है। और यहाँ पर ये N चैनल का मोसफेट है वो मैंने हीट सिंक पे लगा दिया है, क्योंकि ये गर्म होता है और ब्रेडबोर्ड खराब भी हो सकता है। अब इसमें वोल्टेज को सेट करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को सेट करेंगे, और करंट को इस पोटेंशियोमीटर से सेट करेंगे। वोल्टेज को इस पोटेंशियोमीटर से मैंने 0.3 वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज दिया है। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाता हूँ तो ये वोल्टेज बढ़ते हैं ऐसे। मल्टीमीटर को मैं लगाता हूँ यहाँ पर, आउटपुट में 15.26 वोल्टेज आ रहे हैं, और कम पे करता हूँ मैं ऐसे तो ये मिनिमम 0.3 वोल्टेज आ रहे हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज के लेवल को मैंने फुल पे कर दिया है, और अब मैं करंट को कम पे करता हूँ, करंट को बिल्कुल कम पे कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। करंट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, करंट को यहाँ पर मिनिमम करंट पे मैंने सेट कर दिया है, और मिनिमम करंट पे जो वोल्टेज आ रहे हैं
वो लोड पर 3.43 वोल्टेज आ रहे हैं, और जैसे ही मैं लोड को हटाऊंगा तब वोल्टेज फुल हो जाने चाहिए। ये वोल्टेज 15.8 वोल्टेज आ गए हैं। तो इस तरह से ही करंट को टेस्ट कर सकते हैं, सर्किट में करंट कंट्रोल होता है या नहीं। अब मैं लोड को लगाऊंगा तो वापस वोल्टेज कम हो जाने चाहिए। ये करंट का टेस्ट करने का तरीका यही है। और अब मैं लोड को हटा देता हूँ और वोल्टेज को कम करता हूँ तो कम होने चाहिए ऐसे। बिल्कुल कम पे करूँगा तो 0.3 वोल्टेज आएंगे ऐसे। मैं इसको 3.5 वोल्टेज पे सेट कर दिया है जैसे, और अब इनपुट 17.7 वोल्टेज आ रही है यहाँ पर। इनपुट को मैं कम करता हूँ तो आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेंगे ऐसे। 1 मिली वोल्टेज का आउटपुट में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है 2 मिली वोल्ट का। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा करंट और वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।